हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C55 फ़ोन है, तो पोको C55 फ़ोन की ऐप्स पे, फ़ोन के आइकन्स पे जाकर कैसे आप ओल्ड फ़ोन का जो डाटा होता है उसको आप कैसे न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऑल फाइल डाटा ट्रांसफ़र आप कैसे कर पाएंगे पोको C55 फ़ोन के आइकन्स का यूज़ करके। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन ही आएंगे। फिर आपको जाना होगा प्ले स्टोर आइकन्स पे, तो प्ले स्टोर आइकन्स पे आपको क्लिक करना है। प्ले स्टोर आइकन आ जाएगा, जहाँ से आपको सर्चिंग पे क्लिक करना होगा MI मूवर। तो MI मूवर ऐप्स का आप यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा को ऑन कर लेते हैं, तो थोड़ी देर में हमारा डाटा हमारे फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको ट्राई गन कर लेंगे। ट्राई गन करते ही यहाँ पर ये ऐप्स आ जाएगा, जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही फिर आपको ओपन कर देना है। ओपन करते ही आपके पास से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ओल्ड एंड न्यू फ़ोन। तो जैसे आप ओल्ड फ़ोन पर जाते हैं, तो जैसे अगर आपका ओल्ड फ़ोन है तो ओल्ड फ़ोन का जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको ओल्ड फ़ोन को उस पर जाना होगा, और आपके पास न्यू फ़ोन है तो न्यू पे जाना होगा। और न्यू पे आपका कोई सा भी जैसे डिवाइस है, जैसे डिफरेंट टाइप का डिवाइस है तो आपको इस पे जाना होगा। जैसे कोई अदर डिवाइसेस हैं तो इस पे टाइप करना होगा, नहीं तो जैसे आपका MI या रेडमी का फ़ोन है तो इस पे जाना होगा। और यहाँ से पोको का फ़ोन है तो इस पे चला जाना। और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके, यहाँ से स्कैन करके, नेटवर्क को कनेक्ट करके जो डाटा है अपने ओल्ड फ़ोन का, उसको न्यू फ़ोन में आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इस तरीके से ओल्ड फ़ोन का डाटा न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पोको C55 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।